हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम मेकर प्रो। आज का वीडियो एक शॉपिंग हॉल वीडियो है। आज के वीडियो में मैंने इंडोर आउटडोर गेम्स के लिए कुछ टॉयज लिए हैं। इनके जरिए आप छोटे बच्चों को आउटडोर गेम्स से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इन टॉयज को घर के बाहर ही खेला जाए, आप घर के अंदर भी इन टॉयज को खेल सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं। सबसे पहले मैंने ये बास्केटबॉल सेट लिया है। इस तरह का आपको ये सेट मिलता है, इसमें ये एक बास्केट मिलती है, ये फोल्डेबल बास्केट है। इसमें पीछे की तरफ इस तरह से दिया हुआ है, जितनी आपके बच्चे की हाइट हो उसके हिसाब से आप इसे कहीं पर भी टांग सकते हैं। इसके साथ में ये जो बॉल मिली है, ये काफी छोटे साइज की बॉल है, मुझे ये पसंद नहीं आई है। इसकी बास्केट काफी अच्छी है, लेकिन इसके साथ में जो बॉल दी गई है वो काफी छोटे साइज की है। आप देख सकते हैं कि ये बॉल मेरे पास है और ये बॉल आराम से इस बास्केट से निकल रही है, तो मैं अपने बेबी के लिए दूसरी बॉल खरीदूंगी इस साइज की। ये 11 सेंटीमीटर की बॉल है। नेक्स्ट मैंने ये बॉलिंग सेट लिया है। इस तरह से इसमें ये कार्टून प्रिंट्स है और इसके साथ में ये जो बॉल मिली है इसका साइज भी ठीक है। नेक्स्ट मैंने ये बैट बॉल का सेट लिया है। ये डिज्नी मिक्की माउस का बैट बॉल सेट है। ये सभी प्लास्टिक के बने हैं, बीपीए फ्री हैं और नॉन टॉक्सिक हैं। इन टॉयज को मैंने firstcry.com से लिया है। ये सभी टॉयज आपको Amazon पर भी मिल जाएंगे। मैं सभी प्रोडक्ट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अगर आप भी खरीदना चाहते हैं तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। नेक्स्ट मैंने ये हॉकी सेट लिया है। ये भी डिज्नी की हॉकी सेट है, इसमें भी मिकी माउस प्रिंट है और ये हॉकी और साथ में ये छोटी बॉल दी गई है। जब आप अपने बच्चे को आउटडोर गेम से इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो ये टॉयज काफी सही रहते हैं। इन टॉयज को जरूरी नहीं है कि आप घर के बाहर ही खेलें, इनको आप घर के अंदर भी खेल सकते हैं। होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।